फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बटरफ्लाई बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है। ये बटरफ्लाई मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ है फ्रेंड्स, और इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हुए हैं, ब्लैक एंड येलो। तो आप कोई भी कलर, दो कलर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे यहाँ पर ऊल बच जाते हैं तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं, और इस बटरफ्लाई को बना के आप किसी भी प्रोजेक्ट पर मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है ये बनकर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे रामा ग्रीन एंड ब्लैक कलर का ऊन लिया है। तो सबसे पहले हमने ये ब्लैक कलर का ऊन लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने देखिए यूं ऐसे घुमा के देखिए इतना हमने ये छोड़ देना है ऊन को, और फिर ये फिंगर में हमने तीन चार राउंड लपेटना है, और नॉर्मली हमने उसके बाद चैन लेना स्टार्ट करना है। देखिए 9 चैन लेंगे फ्रेंड्स हम लोग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए यहाँ पे हमने सिंपल से चैन ली है, 9 चैन लिया है फ्रेंड्स। देखिए अब हमने क्या करना है, सारे 9 चैन में हमने सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। देखिए सिंगल क्रोशिया हम कैसे करते हैं, ना कोई हमने ऐसे फंदा लेना है और ना ही कोई चैन लेनी है। तो ये बहुत ही इजी है, सारी बिगनर्स भी बना सकती हैं। देखिए हमने जस्ट इसी के बगल में डालते हुए फिर यहाँ से ऐसे निकालना है, फिर देखिए यूँ इसको ऐसे कर लेना है, और हर चैन में हमने ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेनी है। देखिए जस्ट उसी के बगल में, फिर ये देखिए, फिर उसी के बगल में हमने ये सिंगल, हमने जितने नए 9 चैन लिए फ्रेंड्स, सारे में हमने ये सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये देखिए, ये हम जब सिंगल क्रोशिया करेंगे तो कुछ ऐसे बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम पूरा यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए एक सिंपल सी हमने यहाँ पे चैन लेके, लूप लेके फिर इसको कटिंग कर देनी है ऊल को। ऊल को थोड़ा लंबी ही कटिंग करनी है फ्रेंड्स। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे निकाल देना है। ये देखिए, ये हमने दोनों साइड ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा ऊल छोड़ना है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ये वाले ऊल को लगाएंगे यहाँ पे, ब्लैक वाले ऊन का हमारा अब कोई काम नहीं है। अब हमने ये ऊल को लेना है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने, ये हमारा फ्रंट साइड का है, तो हमने यहाँ से 1, 2, 3 वाले चैन में हमने ये इंसर्ट करना है ऊल को। देखिए दो चैन को छोड़ के हमने यहाँ पे तीसरी चैन में डालना है। आपने तीसरी चैन में इसको इंसर्ट कर देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया ऊल को, यानी यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। अब हमने यहाँ से 9 चैन लेना है सिंपल सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 9। 9 चैन ले लिया हमने, यहाँ पे 9 चैन लिया है फ्रेंड्स। अब हमने उनको यहाँ पे 4 राउंड क्रोशिया पे लपेटना है, 3 एंड 4। देखिए
चार राउंड हमने ये क्रोसिया पे लपेट के हमने वहीं पे इंसर्ट करना है फ्रेंड जहाँ से हमने ये नाइन चैन लिया था। अब देखिए हमने क्या करके फिर देखिए आपने फिंगर पे लपेटना है। फिर देखिए आप ऐसे लेंगे इसको, फिर यूँ निकाला एक बार, दो, तीन, चार एंड लास्ट में हमने दो का यहाँ पे एक पांच। ऐसे ही देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये हमारा एक पंखुड़ी बना है। फिर हमने क्या करना है यहाँ पे चार राउंड और करना है, वन टू थ्री एंड एक फोर। देखिए यहाँ पे चार बार हमने किया, फिर हमने वहीं पे इंसर्ट करना है, वहीं पे बार बार हमने डालना है जहाँ से हमने पहली बार चैन लिया था। अब देखिए फिर हमने एक दो तीन चार एंड एक पांच। देखिए ये हमारी कुछ इस तरह बनने लगी है। अब हमने दो बार देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चार चार राउंड किया है, अब हमने यहाँ पे तीन राउंड लगाएंगे, एक दो तीन, तीन राउंड हमने ये लिया है। फिर हमने वहीं पे इंसर्ट करना है जहाँ से हमने हर बार इंसर्ट किया था। फिर इसको हमने निकाला, देखिए हमने अब तीन बार लिया है तो ये हमारा एक दो तीन और एक लास्ट यहाँ पे चार। ये देखिए हमारा ये बनने लगा है। फिर हमने एक बार देखिए एक दो तीन, दो बार हमने चार चार बार लपेटा और दो बार हमने ये तीन बार लपेटना है और वहीं पे हमने बार बार इंसर्ट करना है फ्रेंड्स। फिर देखिए एक दो ये हमारा देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बार हो गया। अब हमने क्या करना है सिंपल से, हमने यहाँ पे फाइव चैन लेनी है, वन टू थ्री फोर एंड वन फाइव, पांच चैन लेनी है हमने। सिंपल से पांच चैन लिया, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना, बार बार हमने वहीं पे करना है। देखिए फिर हमने इसको यहाँ पे देखिए ये हमारी कुछ पंखुड़ी ऐसे तैयार होके आने लगी है। ये वाला पार्ट हमारा बन गया, अब ये बनेगा। देखिए इतना तो हमारा बन गया फ्रेंड्स। अब हमने जस्ट इसी के बगल में ही लेना है, देखिए जस्ट उसी के बगल से हमने चैन लेना स्टार्ट करना है। देखिए अब हमने कितना पांच चैन लेना है, वन टू थ्री फोर एंड वन फाइव। देखिए पांच चैन लेने के बाद अब हमने यहाँ पे थ्री राउंड लपेटना है, वन टू थ्री। देखिए यहाँ पे हमने तीन बार लपेटा है, वन टू थ्री। अब हमने इसको यहाँ पे ही इंसर्ट करना है जहाँ से हमने अभी को पांच चैन लिया है। देखिए एक दो तीन एंड चार, ये देखिए। फिर हमने ये तीन राउंड लेना है, वन टू थ्री। वही प्रोसेस हमने बार बार करनी है, ये देखिए। फिर हमने एक बार और लेना है थ्री राउंड, देखिए ये हमने तीन ले लिया था फ्रेंड्स।
आपको अगर छोटी बटरफ्लाई बनानी है तो आप छोटे चैन लेके बना सकते हैं, कम कम चैन लेके। अब हमने देखी यहाँ पे तीन चैन लेना, 1 2 3, थ्री चैन लेके हमने यहीं पे इंसर्ट कर देना है। ये देखिए, फिर इसको स्लिप स्टिच से, देखिए स्लिप स्टिच क्या होता है, एक बार में ही हमने यहाँ पे इसको निकाल के टक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला भी हमारा पर कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे एक बड़ी सी लूप लेनी है, यानी चैन लेना है। अब हमने इसको ये आपने टाइटली खींचना है। अब देखिए, जस्ट जहाँ पे हमने ये लूप लिया है, ये वाला पोर्शन, इसी के सामने हमने यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी हमने ये डाल के, फिर ये जो हमने लूप लिया है, ये देखिए आपने ऐसे करके फिर इसको यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अब हमने इसको यहाँ से निकाल लिया, तो अब हमारा यहाँ पे देखिए तीन चैन लेंगे। लास्ट में हमने ये तीन चैन लिया है, तो अब ये हमारा पहली बार तो फ्रेंड्स यहाँ आगे से बना था तो ऐसे आया, अब हमारा ये यहाँ से बनेगा। तो लास्ट में हमने यहाँ पे तीन चैन लिया था, फिर वही वाला हमने बार बार रिपीट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन चैन लेनी है, 1 2 3, थ्री चैन लेके थ्री बार हमने ये लपेट लेना है, और बार बार वहीं से हमने इसको इंसर्ट करके निकालना है। देखिए, ये देखिए, फिर हमने तीन तीन बार लपेटना है। ये देखिए, हमने ये चार बार बना लिया है वैसे करके। अब हमने लास्ट में देखिए यहाँ पे फाइव चैन लेना है, 1 2 3 4 एंड 1 5, फाइव चैन लेके हमने यहीं पे, देखिए जहाँ पे पहली बार हम डाले थे ये वाला पार्ट बनाने के लिए, वहीं पे डाल के फिर इसको स्लिप स्टिच के द्वारा हमने नॉट लगा देनी है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमने ये वाला बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था सेम वही बनाना है, बट ये जैसे नीचे के साइड से हमने यहाँ पे पांच लेके फिर स्लिप किया था, सेम वही ऐसे बनते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमने जस्ट इसी के बगल में ही ले लेना है चैन। तो देखिए, हमने यहाँ पे लास्ट में हम पांच चैन से हमने इसको किया था, तो 1 2 3 4 5, पांच चैन लेके थ्री राउंड हमने यहाँ पे लगाना है, और बार बार उसी जगह हमने इसको इंसर्ट करना है जहाँ से हमने पहली बार अभी चैन लिया है। देखिए, फिर हमने यहाँ पे तीन चैन लिया, उन हमारा कहीं फंसने ना पाए फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर हमने यहाँ पे तीन, अब हमने चार राउंड लेना है, 1 3 4, चार राउंड लेके फिर वहीं से इंसर्ट करके, ये देखिए हमने चार बार बना लिए। एक बार हमने और चार बार लेना है, 1 2 3 4, यानी दो बार हमने यहाँ पे तीन तीन बार लपेटना है, और दो बार चार चार बार, 2 3 4 एंड 1 5। देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 5 5 बन गया। एक बार हमने और, अब क्या करना, हमने देखिए स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा 9 चैन लिया था, तो हमने 9 चैन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9, 9 चैन लिए हमने देखिए स्टार्टिंग में लिया था। अब वहीं पे ले जाके हमने इसको
इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच के द्वारा इसको देखिए नॉट लगा देनी है। ये देखिए हमारा बनकर बटरफ्लाई कंप्लीट हो गया। अब इसकी हमने ऊन को कटिंग कर लेनी है, थोड़ी लंबी ही करनी है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी कहीं भी इसको बैक साइड ले जाके इसकी इंसर्ट कर देंगे ऊन को। अब देखिए इसको हमने फ्रेंड्स बराबर करके इसको, ये काफ़ी लंबी थी तो हमने इसकी कटिंग की। अब देखिए कितना प्यारा बनकर आया फ्रेंड्स। और इसको ले जाके हमने बैक साइड से देखिए ऊन को कहीं इंसर्ट करके निकाल देनी है। आप जब भी ऊन की कटिंग कर रहे फ्रेंड तो लंबी ही करें ताकि हमारा ऊन कहीं भी इंसर्ट हम कर सकें और कहीं से निकलने का डर ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बटरफ्लाई बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इसको बना के फ्रेंड्स कहीं भी प्रोजेक्ट पे मेंशन कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए ऐसे बनने के बाद हमारी ये बटरफ्लाई। तो हमारी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग।